गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 7। हमने पिछली बार लेसन नंबर 6 देखा था, राइट? तो लेसन नंबर 6 कंपैरिजन सबको आ गया, पता चल गया कैसे कंपैरिजन करते हैं। अगर दो लोगों के बीच कंपैरिजन है तो क्या करना है, दो से ज़्यादा लोगों के बीच कंपैरिजन है तो कैसे करना है। वेरी गुड, आज हम ये कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, ठीक है? ये लेसन है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन यानी एक छोटी सी स्टोरी देती होती है जिसमें हमें पढ़ाई करनी होती है, ठीक है? अ ट्रिप टू द जू, यानी कि यहाँ पे हम घूमने गए थे जू में, यानी कि प्राणी संग्रहालय में, ठीक है? ये देखो, एक पिक्चर भी दिया गया है, ठीक है? अटिया वेंट टू द जू यस्टरडे। अटिया कल जू में गई थी, ये लड़की है उसका नाम अटिया है, ठीक है? अटिया वेंट टू द जू यस्टरडे, वो कल प्राणी संग्रहालय गई थी। शी सॉ मैनी एनिमल्स, उसने वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स देखे। डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द जू, कैसे रह रहे थे सब प्राणी? डिफरेंट सेक्शन में रहते थे, मीन्स अलग अलग प्राणी, जैसे कि ये सिंह है, ये बंदर है, ये भालू है, तो उन सब के विभाग अलग अलग कर दिए गए थे, यानी कि डिफरेंट एनिमल्स लिव्ड इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द जू। मंकीज वेर हैंगिंग फ्रॉम ट्रीज एंड ईटिंग बनानास, जो मंकी थे वो क्या कर रहे थे, वो पेड़ पे लटक रहे थे और केले खा रहे थे। लायंस वेर प्लेइंग विद देयर कब्स, जो लायन थे, सिंह थे, वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। क्रोकोडाइल हैड अ बिग जॉज एंड शार्प टीथ, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, उसके जो मुंह है वो बहुत बड़ा है, ऐसे होता है उसका मुंह बहुत बड़ा होता है, और उसके जो दांत थे वो भी बहुत शार्प थे। देयर वेर स्नेक्स इनसाइड अ केज मेड ऑफ ग्लास, यानी कि स्नेक यानी सांप, सांप का जो केज था, केज यानी पिंजरा, सांप का जो पिंजरा था वो कैसे बना हुआ था, ग्लास का बना हुआ था, राइट? यहाँ पे देखो, जैसे अगर सांप को इस तरीके से केज में रखे तो क्या होता है, वो तो निकल जाएगा, इसीलिए उसे कांच से बने हुए पिंजरे में रखा था, ठीक है? अटिया ऑल्सो सो टू बियर्स हैविंग अ फाइट, यहाँ पे देखो पिक्चर में दिख रहा है, अटिया ने वो भी देखा कि दो जो भालू थे वो झगड़ रहे थे। वन होल सेक्शन ऑफ द जू वॉज फुल ऑफ कलरफुल बर्ड्स, अभी एक पूरा विभाग किससे भरा हुआ था प्राणी संग्रहालय में, एक पूरा विभाग कलरफुल बर्ड्स से भरा हुआ था, यानी कि बहुत सारे रंग बिरंगी पंछी थे वहाँ पे। अटिया सो सम बर्ड्स फॉर द फर्स्ट टाइम, वहाँ पे कुछ बर्ड्स ऐसे थे कि अटिया ने उसे पहली बार देखा था, इतने सारे पंछी थे। देयर वेर पीपल वर्किंग एट द जू, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो काम कर रहे थे। अटियास मदर टोल्ड हर दैट दे आर द वंस हु टेक केयर ऑफ द एनिमल्स, अटिया की मम्मी ने क्या बताया कि ये जो सारे लोग हैं वो लोग हैं जो यहाँ पे एनिमल्स की देखभाल करते हैं, यानी कि प्राणी पक्षी प्राणी की देखभाल करते हैं। सी सेड दैट दे आर कॉल्ड जू कीपर्स, अभी उसकी मम्मी ने ऐसा बोला कि ये लोग जो काम करते हैं और ये इन लोगों की जो देखभाल रखते हैं उन्हें जू कीपर कहते हैं, ठीक है? इट इज देयर जॉब टू कीप द एनिमल्स क्लीन एंड हेल्दी, अभी ये लोग जो प्राणी साफ और जो उसकी सेहत भी अच्छी रहती है, ये सब जिम्मेदारी इन लोगों की होती है, जू कीपर की, कि वो अच्छे से उनकी देखभाल करें, ठीक है? तो ये हो गया हमारी कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट, समझ में आया ना? ओके।